मीडियम फ्लेम पे हम इस प्याज को भून रहे हैं। और ये प्याज देखिए लगभग हमने ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हमने पीस रखे हैं। ये देखिए ये हमने मसाला पीसा है। इसमें है, हमने सारा मसाला एक एक चम्मच लिया है। इसमें है करीब एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच हमने काली मिर्च ली है और एक चम्मच भर के हमने सरसों लिया है। उसके बाद हमने लिया है तीन हरी मिर्च और एक लाल मिर्च। इस मसाले को डालने से पहले हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मछली में थोड़ा लहसुन जो है ज़्यादा ही रहता है, पड़ता है, तो ये हम डाल रहे हैं इतना भर के। ये हमने डेढ़ चम्मच डाल दिया है और अब इसको हम चलाएंगे। और इसको हमने चला दिया अच्छे से। अब जो है इसमें मसाले जो हैं पलट देते हैं। जो है मिक्सी जार में है जो मसाले लगे हुए हैं उसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें वापस डाल देते हैं। इसमें मसाला से इसमें पानी डाल देते हैं थोड़ा, क्योंकि मिक्सी जार में बहुत मसाला लगा हुआ है। थोड़े से पानी और डालेंगे। ये देखिए इसको हम अच्छे से भूनेंगे। डाल देते हैं हल्दी पाउडर, क्योंकि मसाला पीसते वक्त हमने हल्दी पाउडर नहीं डाला था, तो अभी हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। ये मसाला बिल्कुल उड़ने लगा है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।